नमस्कार, फुल एंड फाइल में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि आज नेटो की ब्रसल्स में बहुत बड़ी बैठक होने वाली है? सारे फॉरेन मिनिस्टर पहुंच चुके हैं। यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर भी वहां पर जा रहे हैं, बावजूद इसके कि वो नेटो में नहीं है। ब्लिंकन से उनकी मुलाकात होगी, लेकिन नेटो नहीं चाहता आसानी से हो समझौता। और रशिया का प्लान चेंज हो चुका है अटैक का। बड़ी खबर, रूस का यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर जबरदस्त हमला। पहली बड़ी खबर, ब्लैक सी के तट पर रूस ने दागी ओनिक्स मिसाइलें। ये देखिए आप, रशियन डिफेंस सिस्टम ने दागी मिसाइलें आपके सामने मैं दिखा रहा हूं। ये तस्वीरें इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने है। जरा ध्यान से देखें किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ, ये आपको दिखा रहे हैं। रूस के हमले में यूक्रेन के 2 मिलिट्री बेस तबाह हो गए हैं। अब फोकस जो है वो इनका डाउन साउथ और ईस्ट की तरफ है, कीव की तरफ से हटकर, लेकिन फिर से मिसाइलों से अटैक किए जा रहे हैं, यानी इन्फेंट्री जो है वो पीछे की तरफ है। फुल फ्रेम पे राहुल शॉट दिखाएं जरा, यहां पर यह तस्वीर है आपके सामने, और इसका दूसरा शॉट भी है, वो भी इसके साथ प्ले ऑन करें। की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जरा ध्यान से देखें किस तरीके से पूरा घटनाक्रम चेंज हो रहा है। एक बार फिर से मैं आपको ब्रेकिंग दिखाना चाहूंगा, जरा ध्यान से देखें आप। यह बड़ी खबर आपके सामने, रूस का यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर जबरदस्त हमला। ब्लैक सी के तट से रूस ने दागी ओनिक्स मिसाइलें। ब्लैक सी से हमला किया जा रहा है, जाहिर तौर पर टारगेट पर मरियोपोल है, टारगेट पर डोनबास का इलाका है, टारगेट पर ओडिशा है। ओडिशा में स्ट्रैटेजिक लोकेशंस को निशाना बनाया जा रहा है। इसके बाद एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, राहुल सीधे प्लेट ऑन। बड़ी खबर, रूसी टैंक्स के काफिले पर यूक्रेन की सर्जिकल स्ट्राइक। शॉट दिखाएं, एक यूक्रेनी टैंक ने खाक में मिलाया पूरा रशियन काफिला। यह तस्वीर है आपके सामने। यह खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जरा ध्यान से देखें। एक और हमारे पास जानकारी है, स्थानीय मीडिया यूक्रेनी फर्म का बड़ा दावा, रुस्बेने और पोपासनाक में कब्जे के लिए आक्रमण शुरू हो चुका है। ये देखिए तस्वीरें, सेवरोडोनेस्क में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण लड़ाई जारी है। तस्वीरें देखें आप, इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल BMP-2 से ताबड़तोड़ फायरिंग चल रही है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाएं राहुल जरा। मैं सीधे चलूंगा इसी खबर के साथ अभिषेक उपाध्याय के पास। अभिषेक मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा अभिषेक, क्या इंफॉर्मेशन है अभी तक? ब्लैक सी से हमले तेज हो गए हैं और डोनेस्क का इलाका, लुहांस का इलाका, वहां पर हमले तेज हो गए, क्या इंफॉर्मेशन है? बिल्कुल, देखिए रुबेजनी जहां पर अटैक हो रहे हैं, उस जगह से मैं होकर के आया हूं निशांत, तो वहीं पर रुबेजनी में ही लुगांस स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, और एग्जैक्टली ये बॉर्डर है, आप समझ लीजिए, जो 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 रूस के कब्जे वाला जो डोनबास का हिस्सा है वो, और जो यूक्रेन कब्जे वाला उसके बीच की लक्ष्मण रेखा, उसको क्रॉस किया है रूस ने। यानी कि इनका सीधा सा मकसद यही है कि हमको वो पूरा डोनबास का एरिया लेना है, और पोपासना जो आपने बताया है, डोनेस्क के जो तमाम सारे इलाके हैं वहाँ अटैक हो रहा है, और ये अटैक ओडेसा पर हो रहा है। अब देखिए मारियोपोल और खुरसान के बाद उनका सीधा प्रपज है कि वो चाहते हैं कि डोनबास पर पूरा कब्जा कर लिया जाए और ओडेसा पर कंट्रोल कर लिया जाए, उसी के मकसद से पूरी हो रही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।